अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने इन्फिनिट देखा था कि इन्फिनिट रोड्स या टाइल्स जो हैं वो रन टाइम पे कैसे जनरेट करते हैं, मगर उसमें एक हमारे पास जो प्रॉब्लम था वो ये था कि जैसे ही नए रोड जो हैं वो जनरेट होते थे तो प्रीवियस रोड जो होते थे, क्योंकि उनकी अब ज़रूरत कोई नहीं है सीन के अंदर, मगर वो सीन के अंदर थे और मेमोरी के अंदर जो है वो स्पेस जो है वो ले रहे थे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जैसे प्लेयर हमारा आगे मूव कर जाए तो जो पीछे रोड्स रह जाएं उनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं ताकि हमारा जो मेमोरी है वो फ्री हो सके। तो इसके लिए बेसिकली हमने क्या करना है कि सबसे पहले आपने कोड के अंदर ऊपर जाके यहाँ पे एक लिस्ट जो है वो प्राइवेट लिस्ट जो है वो डिक्लेयर करनी है, और इस लिस्ट को यूज़ करने के लिए आपने एक नेम स्पेस जो है यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनेरिक इसको जो है वो आपने यहाँ पे लिखना है अपनी जहाँ से आपकी क्लास शुरू होती है बिल्कुल उससे ऊपर। सेकेंडली आपने इस तरह से एक रोड लिस्ट के नाम से हमने एक प्राइवेट लिस्ट जो है वो गेम ऑब्जेक्ट की बना ली है। इसी लिस्ट को हमने यहाँ पे स्टार्ट के फंक्शन के अंदर इनिशियलाइज कर दिया। तो बेसिकली इस रोड लिस्ट के अंदर हमारे जितने भी जो प्रीवियस रोड होंगे वो हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे और फिर वहाँ से हम इन्हें डिस्ट्रॉय करेंगे। और एक और जो चीज़ हमने करनी है वो ये है कि जहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था अमाउंट ऑफ रोड, तो जैसे ही गेम स्टार्ट हो हमने एक लूप चलाना है ज़ीरो से लेके अमाउंट ऑफ रोड्स तक, और हमने उतने रोड्स जो हैं वो स्पॉन करने हैं। अगर यहाँ पे 6 हैं तो हम चाहते हैं कि जैसे ही गेम स्टार्ट हो 6 रोड जो हैं वो ऑलरेडी हमारे पास सीन के अंदर मौजूद हों। तो यहाँ पे एक फॉर लूप के थ्रू हमने स्पॉन रोड का फंक्शन जो है वो कॉल किया है, तो ये बेसिकली 6 रोड्स जो हैं वो जनरेट करेगा। सेकेंड जो चीज़ है वो अपडेट फंक्शन के अंदर जो हमने करनी है वो यहाँ पे कि जैसे ही हम एक नया रोड जो है वो स्पॉन कर रहे हैं तो उसी के साथ ही जो एक रोड जो है वो प्रीवियस रोड जो है उसको हम डिलीट करेंगे, एक नया रोड जनरेट करेंगे और प्रीवियस नोड को हम उसको डिलीट करेंगे। तो डिलीट रोड का एक फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल किया है और इसको हमने यहाँ पे जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। इस फंक्शन को भी देखेंगे हम ये कैसे काम करता है। और जो स्पॉन रोड का जो फंक्शन हमने बनाया था इसके अंदर हमने क्या किया है कि रोड लिस्ट जो है उसके अंदर हमने जो करंट जो अपना रोड स्पॉन किया है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो डिलीट रोड है उस पे हमने क्या करना है कि पहले हमने एक जो डिस्ट्रॉय करना है, तो बेसिकली डिस्ट्रॉय का फंक्शन जो है इसके अंदर आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इसे देते हैं तो ये डिस्ट्रॉय का फंक्शन क्या करता है कि उस ऑब्जेक्ट को आपकी मेमोरी में से डिलीट कर देता है। तो रोड लिस्ट की जो ज़ीरो लोकेशन पे जो भी कोई एलिमेंट होगा उसको हमने डिस्ट्रॉय के फंक्शन के अंदर एज अ आर्गूमेंट पेस्ट करना है ताकि वो रोड वहाँ से डिलीट हो जाए। और डिस्ट्रॉय करने के बाद हमने अपनी जो लिस्ट है उसके अंदर से भी उस रोड को रिमूव करना है ताकि बार बार हम उसी रोड को नेक्स्ट टाइम जब ये फंक्शन रन हो तो हम बार बार एक ही रोड को रिमूव ना करें बल्कि यहाँ से उस ज़ीरो लोकेशन पे जो है उसको रिमूव कर दें तो कोई नया रोड जो होगा वो हमारे पास अब ज़ीरो लोकेशन पर आ जाएगा। तो बेसिकली ये कैसे काम करेगा कि लेट्स से कि अभी प्लेयर हमारा यहाँ है, जैसे ही हम वो गेम रन करेंगे तो 6 रोड जो हैं वो जनरेट होंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ पे जो रोड होगा ये ज़ीरो लोकेशन पे आपके पास चला जाएगा। तो इसको जब हम रिमूव करेंगे तो इससे जो नेक्स्ट रोड होगा वो ज़ीरो लोकेशन पे चला जाएगा, इसको फिर रिमूव करेंगे तो नेक्स्ट जो रोड यहाँ पे होगा वो ज़ीरो लोकेशन पे चला जाएगा। तो हर बार हम एक नया आगे रोड जो है वो जनरेट करेंगे और जो ज़ीरो लोकेशन पे रोड है हमारे पास उसको हम रिमूव कर देंगे। तो ये बस इतना कोड आपने लिखना है। तो अब इसे हम रन करके चेक करते हैं। तो अब जैसे ही इसे मैंने रन किया तो ये अब आप देख रहे हैं कि इसको अगर मैं पॉज करूं और सीन के अंदर सीन विंडो को अगर मैं यहाँ पे नीचे लाऊं तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये रोड जो हैं वो रिमूव होंगे। तो ये अब आप देख रहे हैं कि सीन के अंदर जैसे ही प्लेयर हमारा आगे जा रहा है पीछे से एक एक रोड जो है वो हमारे पास रिमूव होता जा रहा है।
तो ये स्क्रिप्ट को मैंने दोबारा सेव किया है। तो अब आप देखेंगे ये जो करेक्टर है हमारा वो एकदम से नीचे गिर गया है, वो इस वजह से कि क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें सीन के अंदर, तो जैसे ही मैं गेम को प्ले करूँगा तो ये अब आप देख रहे हैं कि एक स्पेस जो है वो हमारे पास खाली है, जिसकी वजह से प्लेयर जो है वो हमारा नीचे गिर रहा है। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए हमने क्या करना है कि ये जहाँ पे स्पॉन रोड के फंक्शन के अंदर, ये फोर्थ लाइन के अंदर जहाँ पे हम उसकी पोजीशन बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे हमने इंस्टेंशिएट करना है, तो इसमें से हम जो अपने रोड की लेंथ है 13.77 f वो रिमूव कर देंगे। तो अब क्या होगा कि पहले रोड हमारा यहाँ पे ये जनरेट हो रहा है, तो इसमें से माइनस इसकी पोजीशन में से 13.77 किया, तो अब ये इस रोड के बिल्कुल आगे जो है वो जनरेट होगा। तो इस स्क्रिप्ट को मैं दोबारा सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब दोबारा अगर मैं रन करूँ तो अब आप देखें कि हमारा करेक्टर जो है वो बिल्कुल फॉरवर्ड पोजीशन में मूव कर रहा है, और इसको हम मूव भी कर सकते हैं बाउंड्रीज के साथ। और यहाँ पे अगर सीन विंडो में हम देखें तो ये आप देख रहे हैं कि प्रीवियस रोड जो है वो हमारे पास रिमूव होते जा रहे हैं, हमारी मेमोरी जो है वो फ्री होती जा रही है। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इसके अंदर कुछ हर्डल्स वगैरह जो हैं वो प्लेस करेंगे, और उसके बाद इसके अंदर जो स्कोरिंग की फंक्शनैलिटी है वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, और इसका जो डेथ का एनिमेशन है वो भी इसके अंदर हम मज़ीद जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद हम जो अपना ये जो सीन है जिस तरह आप देख रहे हैं कि ब्लू कलर है, तो हम यहाँ पे कोई स्काई या स्काई बॉक्सेस को स्टडी करेंगे कि स्काई वगैरह जो है वो कैसे लाते हैं, और अगर मज़ीद कोई चीज़ें इसमें ऐड करनी हो तो वो कैसे करते हैं। तो काइंडली अगर आपने हमारा ये जो चैनल है यूट्यूब के ऊपर इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी इसको सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में हमारा मैसेज आ जाएगा कि एक नई वीडियो जो है वो अपलोड हो चुकी है।